आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी करा था, अब इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में करा था एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी स्मॉल चैप्टर, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमको पता है इतनी वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, इससे ये समझ में आता है, टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो इसमें फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये हाइट के साथ क्या वेरिएशन होगा वो हमको देखना है। तो आप देखिएगा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट कैपिटल ए ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अर्थ के सर्फेस पर। लास्ट क्लास का एक बार रिकॉल करवाऊंगा कि हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे अर्थ के सर्फेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है और जो अर्थ है अर्थ का मास कैपिटल एच, तो हम ये कहेंगे कि जो ग्रेविटी लगती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कहाँ तक लगता है, वो सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में हमने ये मान लिया कि जो अर्थ है अर्थ का पूरा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो ये मान लिया कैपिटल एम यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा बोलता है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम पता नहीं हमें करनी नहीं है शेल थ्योरम, लेकिन शेल थ्योरम का बस इतना यूज है कि जितना भी मास होता है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है। अब इस वाले मास में यानी कि अर्थ का मास सारा यहाँ पर है और ये सरफेस पर एक मास पड़ा हुआ है स्मॉल एम, तो इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, कितना इसका रेडियस अर्थ का, तो हमने ये देखा था कि फोर्स कितनी होती है जी एम वन एम टू, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ के सर्फेस पर अगर हम उसका वेट निकालें तो वेट जो है वो भी, उसको भी हम फोर्स ही बोलते हैं, वो होता है एम जी के इक्वल। अगर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये भी फोर्स आ रहा है, ये भी फोर्स आ रहा है, तो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कर दिया। तो यहाँ से इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग होती है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन, ये जो स्मॉल आर लिखा है स्मॉल आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर, अर्थ का रेडियस इज कैपिटल आर, स्मॉल आर होता क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर क्या कैपिटल आर, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सर्फेस पर रखा हुआ है और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट करेगा स्मॉल जी, उसके बाद देख लीजिएगा। सर आर डिस्टेंस फ्रॉम टू है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल आर। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट के साथ साथ कितना वेरिएशन हो रहा है हमें ये देखना है। तो अब क्या करना है हमको, धीरे 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 इसको थोड़ा हाइट पर ले जाना शुरू करेंगे। तो हमने ये बोला फिर इसको हम हाइट x तक ले गए कुछ इस तरह से, जैसा कि डायग्राम यहाँ पर दे रखा है कि अर्थ यहाँ पर, ये अर्थ का सेंटर हो गया O, और हमने माना सारा का सारा मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, ये अर्थ का रेडियस r हो गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है h, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कैपिटल r हो ही गया, तो स्मॉल m यहाँ पर है अर्थ के सेंटर को बोल दिया पॉइंट O, इस वाले पॉइंट को बोल दिया A और इस वाले पॉइंट को बोल दिया B। अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन लिखा हुआ है आपके नोट्स, अभी सभी के पास होंगे नोट्स, तो उसमें देखिए इक्वेशन नंबर वन है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन यहाँ से शुरुआत होती है। अब हम ये बोलते हैं इफ जी एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट कैपिटल बी एट अ हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, कि अगर अर्थ के सर्फेस से हाइट एच पर
हाइट एच पर, यानी कि इस जगह पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एच है, स्मॉल जी सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एच, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू हाइट एच पर जी एच है, ये हमने मान लिया, तो क्या करेंगे, जी एच इज इक्वल टू अगर सरफेस पर था तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब अगर एक इतनी दूरी पर पहुंच गए तो ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन इक्वल टू, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना है इस वाले मतलब अर्थ के इसमें सेंटर में और यहाँ तक, अब डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन टू को जब वन से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू अपॉन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन क्या होगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो कैपिटल जी एम से कैपिटल जी एम कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ही कैपिटल आर को कॉमन ले लो, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट में ही कैपिटल आर कॉमन ले लो, कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, वन प्लस एच अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर, जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ना दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक तो आर और एक वन प्लस एच अपॉन आर, तो इसका आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास केवल ये बचा कि वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, अब इसको अगर ऊपर ले आए तो ये बन जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस टू, भाई ये ऊपर वन था, ये जब ऊपर आ जाएगा तो वन प्लस एच अपॉन आर की होल पावर माइनस टू, ये हो जाएगा। एक्सपेंड करते हैं तो होता क्या है कि ये जो पहला टर्म अगर वन है तो जब एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला टर्म जो है ना इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सुनिए एक मिनट, ये हो जाएगा वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये जो पावर है ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, वन माइनस टू एच अपॉन आर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स
अच्छा कौन आ रहा है। अगर आप वैसे भी देखें ना, नॉर्मली भी देखें कि पावर टू की भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए वन प्लस एक्स है, मान लीजिए वैसे ही सोचिए वन प्लस एक्स है और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो वन प्लस एक्स का अगर स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या होता है, वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है, प्लस ये होता है टू ए बी, तो टू ए बी कितना हो जाता है टू एक्स, यानी कि ये टू इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर इसकी हायर पावर आती है यानी कि एक्स की और हायर पावर यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं वन प्लस एक्स का क्यूब दे दूँ तो ए क्यूब होता है सबसे पहले तो ए क्यूब यानी कि वन का क्यूब तो वन ही रहेगा, फिर अगला टर्म जो है अगला टर्म आएगा थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू वन इंटू एक्स स्क्वायर, और एक टर्म आता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, यानी कि ये थ्री जो है थ्री एक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और उसके अलावा ये हो गया वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो पहले वन प्लस थ्री एक्स को मिल रहा है ना यहाँ पर, वन प्लस थ्री एक्स मिल रहा है, फिर इसमें क्या एक्स का स्क्वायर है, इसमें क्या एक्स का क्यूब है, यानी कि हायर पावर्स है ये एक्स की। फिर ये तब देखा जाता है जब एक टर्म आपका वन हो, तब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उसमें सब में हायर पावर्स आएंगी, बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एच अपॉन आर की हायर पावर्स आ गई तो उन सबको ना नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैसे लिखिएगा, बिकॉज लिखा है इधर नोट्स में भी कि इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर एच आर से बहुत छोटा है तो आर को इधर ले आओ, एच अपॉन आर इज वेरी वेरी लेस देन वन, तो एच अपॉन आर की वैल्यू क्या हो गई, वन से बहुत बहुत छोटा, ठीक है। तो अगर एच अपॉन आर का मैं स्क्वायर करूँगा तो वो और भी छोटा आएगा, क्यूब करूँगा तो और ज़्यादा छोटा आएगा, तो वो वन से इतना ज़्यादा छोटा आ रहा है, मैं ये कहूँगा कि उनकी जो हायर पावर्स हैं वो तो और भी ज़्यादा छोटी आएंगी, तो उन सबको ना नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो आप ये देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ एच इज बिल्कुल नीचे होंगे पेज नंबर 14 पर, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर देन एच अपॉन आर इज वेरी वेरी लेस देन वन, सो दैट हायर पावर्स ऑफ एच अपॉन आर कैन बी नेगलेक्टेड वी गेट, तो हमारी जितनी भी हायर पावर्स हैं एच अपॉन आर की, जो हायर पावर्स हैं तो सबको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो केवल इतना बचा वन माइनस टू एच अपॉन आर, देयरफॉर जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर। ये हो गया, ये आपको समझाने के लिए बताया था, आपको बस इतना लिखना है जब भी कभी ऐसा एक्सपेंशन आए आपको लिखना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड एंड नेगलेक्टिंग द हायर पावर्स, ठीक है, हायर पावर्स को आपको नेगलेक्ट कर देना है। अब देखिएगा बस इस जी को इधर ले आइए, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट पर वो किस तरह से डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है कि जो भी हाइट हो उसको यहाँ पर आपको रख देना और निकाल लेंगे जी एच की वैल्यू, ठीक है जी। इसके बाद आप ये देखिएगा अगला जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, कि अगर हम गहराई में उतर रहे हैं तो वेरिएशन जो है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि स्मॉल जी में कितना वेरिएशन आता है, कितना चेंज आता है, ये देखो अब देखिएगा। अच्छा इसमें ना एक चीज़ आप देखो कि हाइट जब बहुत 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 ज़्यादा हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा जब हम हाइट पर पहुँच गए, आप ये मान रहे कि लगभग लगभग मैं अर्थ से जितना अर्थ का रेडियस है हमें उतना भी नहीं जाना, हमें उसका आधा जाना है, ऐसे ही मान लीजिए कि जी एच इज इक्वल टू जी इन टू वन माइनस टू, और एच की जगह मैं डाल रहा हूँ आर बाई टू, यानी कि ये जो ये वाली जो हाइट है ये मैं कितनी ले रहा हूँ, ये इस रेडियस का आधा ले रहा हूँ, अगर हम इतनी भी ऊंचाई पर चले गए तो क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आर अपॉन आर बचा, आर अपॉन आर बचा, ठीक है, और इधर क्या बचा, जी एच इज इक्वल टू जी इन टू वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, जीरो इन टू जी इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि आपको जितना अर्थ का रेडियस है, जितना अर्थ का रेडियस है उसके आधे के बराबर अगर आपने हाइट अचीव कर ली तो फिर बॉडी फ्लोट कर लेगी, कि फिर बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम ही नहीं करेगा, बॉडी फिर नीचे आएगी,
समझ गए, क्लियर है? दोबारा देखिएगा, मैंने ये कहा कि अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर होता है, तो अर्थ का जो रेडियस है अगर उसका आधा हमने कर दिया यानी कि 3200 किलोमीटर कर दिया, ठीक, तो क्या करेंगे? मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, आपको 6.4 × 10³ याद होगा, उसको मीटर बोल देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ किलोमीटर बोल रहा हूँ, 6400 किलोमीटर अर्थ रेडियस अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। तो अगर मैं हाइट कितनी रखूँ R/2, यानी कि उसके रेडियस से आधी हाइट पर जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, उसके रेडियस से आधी हाइट पर जा रहे हैं, और एच की जगह है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर उतनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है? तो एच की जगह मैंने R/2 डाल दिया, तो भाई 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? केवल आर, और नीचे क्या बचा? आर, आर बचा, आर से आर कट गया, तो ये पूरा टर्म जो है कितना हो गया? 1 हो गया, 1 - 1 = 0, 0 × 2 = 0। तो उस हाइट पर, मतलब किस हाइट पर? H = R/2, इतनी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी बॉडी पर 0 हो गया, तो वो बॉडी हवा में फ्लोट करने लगेगी, वो नीचे गिरेगी, समझिए, गिरेगी ना, रुक गई ना बस वहाँ पर, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम ही नहीं करता, समझ गए? चलिए उसके बाद देखिएगा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या था, हम अर्थ की सरफेस से ऊपर 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 उठते थे, तो क्या फर्क पड़ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अब हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ की खुदाई करके नीचे 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 अर्थ के अंदर अंदर जा रहे हैं, बेसमेंट में जा रहे हैं, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 नीचे जाते जा रहे हैं। देखिएगा गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत होती होगी तुम्हें, अभी तो मौसम फिर भी ठंडा है, मैं तो सोच रहा था इनर वगैरह निकाल कर पहनना शुरू करूँ। अब तुम्हारा बर्थडे कब होता है? 17 दिसंबर। अच्छा जी, अब देखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही बढ़ती जा रही है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट, हाँ ये इधर नीचे डांस कर रहा हूँ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट कैपिटल ए ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी, इसकी भी शुरुआत इसी से होती है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, सो बोलिए मैंने इक्वेशन पर रहा। फिर है अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ एवरेज डेंसिटी रो, देन इट्स टोटल मास विल बी, मतलब हम ये कहते हैं अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर, होमोजेनियस स्फीयर का मतलब क्या है? फिर अर्थ जो है ना, अर्थ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब अगर मिट्टी है तो मिट्टी ही मिट्टी है, उसमें ये नहीं है कि कहीं रेत आ रहा है कहीं सैंड आ रहा है, उससे क्या होता है कि अगर अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स एज्यूम कर रहे हैं ना, तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो होमोजीनियस मटीरियल से बना हुआ है। डेंसिटी ऑफ अर्थ और कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वॉल्यूम, राइट है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कैपिटल एम डेंसिटी को रो बोल दिया आपने, वॉल्यूम कितना होगा क्योंकि ये क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³, तो रो इंटू 4/3 πr³, तो हमारा मास आ गया
हमने बी पाई आर क्यू रो, ये तो मास हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है कैपिटल एन की वैल्यू इसमें लिखनी है। एक आर स्क्वायर से एक ही कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है फिर, 4/3 पाई जी आर रो। स्मॉल जी की वैल्यू 4/3 पाई जी आर रो। अब इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी तक क्या करा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने स्मॉल जी में थोड़ा सा चेंज करा है बस, और कुछ नहीं करा, तो मैं डेप्थ में नहीं गया। अब क्या देखना है, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ साथ स्मॉल जी में कितना वेरिएशन हो रहा है ये देखना। तो अब हम जरा डेप्थ में जाते हैं, बचेगा ये कितना बचेगा, आर माइनस स्मॉल डी, भाई पूरा तो टोटल रेडियस ऑफ अर्थ है, उसमें से इसको रेडियस ऑफ अर्थ करा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी ये बच गया। अच्छा, तो मैंने ये बोला कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल जी, और जो ये वाला पॉइंट है इस पर मैंने बोल दिया वो है जी डी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, तो ये जी डी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप आइए पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर देखिएगा। अब ये है कि अगर मैं इतनी डेप्थ पर, अगर मैं इतनी डेप्थ पर हर्ट का मास निकालूं तो कितना हो जाएगा, उसको हमने बोल दिया एम डैश। वो एम डैश कितना हो जाएगा वो देखिएगा, हम ना हर्ट का मास निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने खुदाई करी और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर यही तो मास बचा ये वाला अंदर वाला, हमने उसको तो खुदाई कर दी और उसको पोर्शन को तो हमने हटा दिया है और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो इतना मास बचा, मैं इतना मास जानना चाह रहा हूँ वो क्या है, उसको मैंने मान लिया एम डैश। और इस रिलेशन के हिसाब से वो क्या होगा, जैसे एम था 4/3 पाई आर क्यू रो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब डिस्टेंस कितना बच रहा है यहाँ पर, आर माइनस डी। ठीक है भाई, तब कितना था, तब तो टोटल आर था, तो आर क्यूब हो गया था, आर क्यूब का मास निकालते थे, अब डिस्टेंस कितना है, केवल आर माइनस डी। ठीक है, 4/3 आर माइनस डी का क्यूब और ये एम डैश, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, देयरफॉर जी डी कितना हो जाएगा, भाई जी है 4/3 पाई जी आर रो, जब पूरे को स्फीयर माना तब। अब मैं इतनी डेप्थ पर आ गया तो स्फीयर के नाम पर तो ये बच रहा है ना बस। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका ये वाला रिलेशन मतलब जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ, क्या लिखेंगे, जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, भाई आर माइनस डी का स्क्वायर होगा ना, नहीं समझे, भाई जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, तो जब मैं जी डी निकालूंगा तो जी एम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर होगा ना, तो जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर तो अलग कर दिया, और एम की वैल्यू ये है एम डैश, मैं यहाँ पर एम डैश होगी। ठीक है, तो जी डी इज इक्वल टू
कैपिटल जी अपॉन आर माइनस थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम डैश कितना है 4/3 पाई आर माइनस थीटा क्यूब इनटू रो। एक आर माइनस डी स्क्वायर है उधर आर माइनस डी क्यूब से कैंसिल आउट हो गया तो जी डी की वैल्यू जो आएगी वो मैं इधर लिख रहा हूँ
लंग्स सेंटर एम इंटू जी डी, तो ये रिजल्ट आ गया आपका जीरो। उसके बाद देखिएगा रिलेशन बिटवीन हाइट एच, रिलेशन बिटवीन हाइट एच एंड डेप्थ डी फॉर द सेम चेंज इन जी, फॉर द सेम चेंज इन जी। जी का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता जा रहा हूँ और मैंने कहा कि जी एच की वैल्यू मान लीजिए 1.5 टाइम्स होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1.5 टाइम्स होगी, तो हम ये कहेंगे कि अब मेरे को ये देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हुई, 1.5 टाइम्स हो गई। तो चेंज कितना हुआ, 1.5 टाइम्स हो गई, वो ये अंतर आया है उसमें, ये बदलाव आया है। ऐसे ही अब हम डेप्थ में उतरते जा रहे हैं, उतरते गए और तब तक उतरते जाएंगे जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.5 टाइम्स ना हो जाए। तो इसका मतलब हमने कहा कि फॉर द सेम चेंज इन जी का मतलब क्या है कि आप कितनी हाइट पर पहुंचे कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.5 हो गया। 1.5 मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, ट्वाइस हो सकता है, ठीक है, या 1/10 हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही 1.5 टाइम्स ले लिया कि मैं बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि अब 1.5 टाइम्स हो गया, तो इतनी हाइट पर रुक जाओ, रुक गए। ऐसे ही हम नीचे की तरफ उतरते गए, तो फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.5 टाइम्स हो गया, हम फिर रुक गए और हमने वो डेप्थ और वो हाइट नोट कर ली। तो वो जो डेप्थ और हाइट है उन दोनों में फिर क्या रिलेशन आएगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर दोनों में सेम चेंज हो रहा है तो जी एच कितना है, मतलब एट अ हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बोलते हैं जी एच, तो वो होता है जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर, ये हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल रखा है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से जब डेप्थ की बात करेंगे तो जी डी इज इक्वल टू, अभी देखा, जी इंटू 1 - d अपॉन आर, 1 - d अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 6। तो अगर दोनों में सेम चेंज हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सेम चेंज हुआ है, यानी कि मान लीजिए ये जो जी एच है ये भी 1.5 टाइम्स जी आ गया और जो जी डी है ये भी 1.5 टाइम्स जी आ गया, तो दोनों में जब सेम चेंज हुआ है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे फॉर सेम चेंज इन जी, फॉर सेम चेंज इन जी, जी डी इज इक्वल टू जी एच, इन दोनों को इक्वेट करा जा सकता है, बराबर रखा जा सकता है। जी डी की वैल्यू क्या है, 1 - g × 1 - d अपॉन आर, और जी एच की वैल्यू कितनी है, g × 1 - 2h अपॉन आर। हाँ जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा, 1 - d अपॉन आर, और इधर क्या बचा, 1 - 2h अपॉन आर, इधर भी प्लस का बना, इधर भी प्लस का बना, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा, -d अपॉन आर इज इक्वल टू -2h अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, डी इज इक्वल टू 2h, ठीक है। तो डेप्थ पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ज़्यादा चेंज आता है, हाइट में आपको उसी सेम चेंज के लिए हाइट में आपको डबल हाइट ट्रैवल करनी पड़ेगी, डेप्थ में जब ज़्यादा मतलब थोड़ी सी डेप्थ पर ही ज़्यादा चेंज आ जाता है और हाइट जो है उसमें ज़्यादा हाइट पर आपको जाना पड़ता है। अच्छा, होते दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा चेंज डी में आएगा वैसे ही एच में आएगा, बस इतना है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा चेंज, इसमें थोड़ा सा कम आएगा, इसको डबल हाइट आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो डी इज इक्वल टू 2h है। उसके बाद अगला मैंने, हाँ जी बताइए सर, जैसे हम आगे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन फिर बढ़ेगी या घटेगी, ग्रेविटेशन जो है ना वो किस रिलेशन से, बताइए बस मेरे को, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो
डेप्थ की कुछ वैल्यू है ना, तो वन माइनस डी अपॉन आर, तो वन में से कुछ कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए अगर जी मल्टीप्लाइड बाई वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए 0.1 ही सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 0.9 बेटा ये आ गया 0.9 जी। इसका मतलब क्या है कि कम हुई वैल्यू, वैसे वैल्यू क्या थी जी थी, तो जी का मतलब क्या था 1G और ये क्या है 0.9G, यानी कि वैल्यू कम होगी। ठीक है, धीरे धीरे वैल्यू कम होगी, समझ गए? ओके सर। ठीक है चलिए जी, आज फिर इतना कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें सर हाइट में इंक्रीज होगी, हाइट पर भी चेंज कमी होगा क्योंकि 1 माइनस 2h अपॉन आर है ना, तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप ऐसे ही देखो, अगर किसी भी टर्म में मैं 1 से बड़ी टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, चाहे वो फिर 1.01 ही क्यों ना हो, तब तो वो वैल्यू बढ़ रही है, और अगर 1 से छोटी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू घट रही है, ऐसा होता है। ठीक है चलिए जी, अगली क्लास में करवा दूँ, फिर ये 4-5 दिन में ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वॉल्यूम 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, कल से बुलाना शुरू करूँ, थोड़ा बता दो क्या होगा, है ना? सुबह में कई बार ऐसा नहीं, रात को सही है, बस आएगा बाहर नहीं, मैं बता दूँ, करवा दूँगा। थैंक यू सर।